अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे का चूरा। सबसे पहले हमने आधा किलो पोहे लिए हैं। एक वाटी हमने सूखा नारियल लिया है, उसे इस तरह से काट लिया है। हमने एक वाटी करी पत्ता लिया है, हमें करी पत्ता थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। 50 ग्राम हमने काजू लिए हैं, 100 ग्राम सेंगदाने, नमक स्वाद अनुसार, शक्कर को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है, लहसुन के हमें छिलके नहीं निकालने हैं, उसे हमें इस तरह से ठेच के लेना है, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च, 5 चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और तेल। और मैंने ये एक नंबर शेव ली है, आप चाहे तो इससे मोटी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने एक पैन लिया है, अब हम इसमें थोड़े थोड़े करके हमारे पोहे भून लेंगे। हमें पोहे लो फ्लेम पर ही भूनना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। हमारे पोहे भून के हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हमने एक पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, अब हम इसमें एक एक करके हमारी सब चीज़ें फ्राई करके निकालेंगे। सबसे पहले हम हमारे शेंगदाने फ्राई करके निकालेंगे। हमारे शेंगदाने भून के हो चुके हैं, तो इसे अच्छी तरह से इस तरह छान लेंगे और उसे पोहे के ऊपर डालेंगे। इसी तरह से हम खोबरा भी फ्राई करके निकालेंगे। हम इसे भी उसी तरह से हम काजू फ्राई करके लेंगे। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम करी पत्ता इस तरह से फ्राई करके लेंगे। पत्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हमें इसे भी निकाल लेना है। हमें लहसुन को भी इसी तरह से फ्राई करके लेना है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरह से हम मिर्ची भी फ्राई करके लेंगे। और हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इन सब चीजों को एक साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इसका तड़का रेडी करेंगे। हम इसमें राई डालेंगे, जीरा, 5 चम्मच हींग डाल के उसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है और हम ये तड़का इसमें डालेंगे। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिए और 2 से 3 चम्मच शक्कर पिसी हुई। आप चाहे तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें शेव डालेंगे। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारा चूरा बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना
क्रिस्पी हुआ है हमारा चूरा।